के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आप इस प्रोडक्ट को खरीदकर खुश हुए होंगे और इससे आपको कई सालों का संतोष प्राप्त होगा। आपकी नई उषा जिनोमी वंडर स्टिच उपयोग सुलभ है। इस मशीन के द्वारा आप व्यवसायिक गुणवत्ता की 5 लेबल रचनाएं बना सकते हैं जो आपके व्यक्तित्व और पसंद को प्रतिबिंबित करता है। उषा वंडर स्टिच एक बहुत ही शानदार तरीके से डिजाइन किया गया है जो बेहद हल्का है। ये ऑटोमेटिक जिगजैग सिलाई मशीन है और इसमें एक कैरिंग हैंडल भी दिया गया है। इस कॉम्पैक्ट बॉडी में एडवांस्ड फीचर्स हैं जैसे बिल्ट इन मोटर, एक कलर कोडेड फंक्शनल फेस प्लेट, पैटर्न बनाने के लिए 2 डायल्स, स्टिच लेंथ सिलेक्शन और बहुत कुछ दिया गया है। इसमें बिल्ट इन नीडल थ्रेडर, बिल्ट इन थ्रेड कटर और ट्रिपल स्ट्रेंथ स्टिच फंक्शन भी है। वंडर स्टिच में फ्री आर्म होता है जो की चौथे का बुनाई में मदद करता है। बिल्ट इन में लाइट के साथ ऑन ऑफ बटन भी है, एक सिंगल टच रिवर्स स्टिच बटन और एक स्नैप ऑन प्रेस फुट भी है। उषा वंडर स्टिच एक बेहतरीन सिलाई उपकरण है जिससे आप मनचाहे सिलाई पैटर्न्स बना सकते हैं। इसके साथ कुछ उपयोगी और प्रभावी एक्सेसरीज जैसे पिकअप फुट, जिपर फुट, स्लाइडिंग बटन फुट और एक ब्लाइंड हेम फुट भी उपलब्ध है। इसके साथ कुछ अन्य एक्सेसरीज जैसे बॉबिन्स, सुइयों का एक सेट और एक सीम रिपर भी मिलता है जो कि उषा वंडर स्टिच को एक प्रबल और संपूर्ण पैकेज बनाता है। सप्लाई से कनेक्ट करने से पहले सुनिश्चित कर लें कि मशीन पर लगा पावर स्विच बंद हो। तब मशीन प्लग को मशीन सॉकेट में लगाएं और पावर सप्लाई प्लग को आउटलेट में लगाएं। मशीन और सीलिंग लाइट को जलाने के लिए पावर को ऑन कर दें। वजह से सिलाई की गति अलग अलग हो सकती है। आप जितना जोर से कंट्रोल पर प्रेस करेंगे मशीन उतनी ही तेजी से चलेगी। दी एक्सटेंशन टेबल जो कि सिलाई की सरफेस को प्री आर्म सिलाई करने के लिए हटाया भी जा सकता है। प्रेसर फुट लिफ्टर को उठाकर प्रेसर फुट को ऊपर या नीचे कर सकते हैं। इसे साधारण स्थिति से आधा सेंटीमीटर ऊपर तक उठाया जा सकता है। प्रेसर फुट को हटाने के लिए हैंड व्हील को अपनी तरफ घुमाएं और सुई को उसकी उच्चतम स्थिति तक ले जाएं। प्रेसर फुट को उठाएं, फुट होल्डर के पीछे दिए गए लीवर को दबाएं और प्रेसर फुट निकल आएगा। प्रेसर फुट को जोड़ने के लिए पिंकी फुट पर इस तरह रखें जिससे कि फिर फुट होल्डर के ग्रूव के बिल्कुल नीचे हो। फुट होल्डर के नीचे करें जिससे कि फुट अपनी जगह पर लॉक हो जाएगा। हैंड व्हील को अपनी तरफ घुमाते हुए नीडल को ऊंचा उठाएं और प्रेसर फुट को नीचे करें। नीडल क्लैंप स्क्रू को ढीला करने के लिए घड़ी की दिशा के विपरीत से घुमाएं और सुई को क्लैंप से हटाएं। अब क्लैंप में नई सुई को इस तरह डालें कि सुई के पीछे का हिस्सा आपसे दूर हो। उसे जितना हो सके उतना ऊपर उठाएं और क्लैंप स्क्रू को मजबूती से पेचकस की सहायता से कस लें। स्पूल पिन धागे को पकड़ कर रखता है और मशीन में धागे की एक निरंतर सप्लाई बनाकर रखता है। स्पूल पिन को इस्तेमाल करने के लिए उसे ऊपर खींचें और बाद में स्टोरेज के लिए उसे नीचे कर दें। बॉबिन केस को इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। हुक कवर को खोलें, हैंड व्हील को अपनी तरफ घुमाती हुई सुई को ऊपर उठाएं और लैच को पकड़ते हुए बॉबिन केस को ले लें। बॉबिन केस को लगाने के लिए हॉर्न को हुक रेस के बीच के खाली स्थान में रखें।
को स्पूल पिन पर लगाएं, क्रील से धागे को खींचें और उसे बॉबिन बाइंडर थ्रेड गाइड के चारों ओर लपेटें। अब बाहर की तरफ से अंदर की तरफ बॉबिन के छेद में धागे को डालें और बॉबिन को बॉबिन बाइंडर स्पिंडल पर रख दें। उसे दाएं तरफ धकेलें। अब धागे को खाली जगह से पकड़ें और फुट कंट्रोल को धीमा कर दें। जैसे ही धागा बॉबिन पुल के पास पहुंचे, वैसे ही मशीन को रोक दें। बॉबिन को पूरी तरह घुमाने के लिए फुट कंट्रोल को धीमा कर दें। अब बॉबिन बाइंडर को बाईं तरफ धकेलें और धागे को काट दें। हैंड व्हील को उसकी मूल स्थिति में वापस ले आए। बॉबिन को बॉबिन केस में रखें और ये सुनिश्चित करें कि धागा घड़ी की उल्टी दिशा में खुले। अब धागे को टेंशन स्प्रिंग के नीचे से खींचें और अंत में उसे डिलीवरी आई में डाल दें। धागे के कुछ इंच का हिस्सा हैंड व्हील को अपनी तरफ घुमाते हुए प्रेशर फुट को उठाएं और व्हील को पिन में फंसाएं। धागे को थ्रेड गाइड में लगाएं, धागे को नीचे टेंशन एरिया की तरफ खींचें और चेक स्प्रिंग होल्डर के चारों ओर घुमाएं। धागे को टेकअप लीवर के बीच से दाएं से बाईं तरफ खींचें और उसे लोअर थ्रेड गाइड के बीच से डालें और फिर बाईं तरफ दी हुई नीडल बार थ्रेड गाइड में डालें। नीडल आई में पीछे से आगे की तरफ धागा डालें। और टेकअप लीवर अपनी उच्चतम स्थिति तक न पहुंच जाए। हल्के से नीडल थ्रेड को खींचें, जिससे कि बॉबिन थ्रेड में एक गोला बन जाए। दोनों धागों को 6 इंच तक पीछे खींचें और उन्हें प्रेशर फुट के नीचे रख दें। धागे का तनाव सिलाई के सामान, कपड़ों के पर्दे और सिलने के तरीके के हिसाब से तय किया जाता है। जब धागे का तनाव बहुत ज्यादा हो तो उसे कम करने के लिए थ्रेड टेंशन डार का परिमाण कम कर दें। इसके विपरीत डार का परिमाण बढ़ने से धागे का तनाव बढ़ जाता है। एडजस्टिंग स्क्रू को बाईं तरफ घुमाकर तनाव को कम कर सकते हैं और दाहिनी तरफ घुमाकर तनाव को बढ़ा सकते हैं। वंडर स्टिच एक स्पेशल पैटर्न सिलेक्टर डायल के साथ आती है, जो आपको दिए गए पैटर्न में से आपकी मनचाही स्टिचिंग स्टाइल चुनने में मदद करता है। स्टिच लेंथ डायल की मदद से आप मनचाही स्टिच लेंथ का चुनाव कर सकते हैं। जितना बड़ा परिमाण होगा उतनी बड़ी स्टिच लेंथ होगी। रिवर्स स्टिच बटन की मदद से आप उल्टी सिलाई भी कर सकते हैं, यानी जब तक आप उस बटन को दबा कर रखेंगे तब तक मशीन उल्टी सिलाई करती रहेगी। हुक कवर को खोलें, ड्रॉप नीडल को नीचे की तरफ से खींचें और उसे दाहिनी तरफ ले जाएं। सामान्य सिलाई के लिए फीड डॉग को ऊपर होना चाहिए और मशीन के शुरू होने पर वो हमेशा ऊपर की स्थिति में आ जाएगा। स्टिच की मदद से कोई भी अनगिनत स्टिचिंग स्टाइल्स बना सकता है। तो चलिए तैयार हो जाते हैं अपनी उषा वंडर स्टिच से सिलाई करने के लिए और अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए। पैटर्न सिलेक्शन डायल को A पर रखें, स्टिच लेंथ को 1.5 से
मशीन को zigzag फुट पर रखें, कपड़े को फुट के नीचे रखें और सिलाई शुरू करें। सीम्स को फंसाने के लिए रिवर्स स्टिच बटन को दबाएं और कुछ स्टिचेस लगाएं। सिलेक्शन डायल को ए पर रखें, स्टिच लेंथ को 1.5 से 4 के बीच में रखें और धागे के तनाव को 2 से 6 के बीच में रखें। मशीन को zigzag फुट पर रखें, कपड़े को फुट के नीचे रखें और सिलाई शुरू करें। फैब्रिक के कोनों पर सिलाई करना रोक दें, सुई को नीचे करें और प्रेस अप फुट को उठाएं। अब कपड़े को घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री पर घुमाएं, प्रेसर फुट को नीचे करें और नई दिशा में सिलाई शुरू करें। पैटर्न सिलेक्शन डायल को सी पर रखें, स्टिच लेंथ को 0.5 से 4 के बीच में रखें और धागे के तनाव को 2 से 5 के बीच में रखें। मशीन को zigzag फुट पर रखें, कपड़े को फुट के नीचे रखें और सिलाई शुरू करें। पैटर्न सिलेक्शन डायल को ए पर रखें, स्टिच लेंथ को SS पर रखें और धागे के तनाव को 2 से 6 के बीच में रखें। मशीन को zigzag फुट पर रखें, कपड़े को फुट के नीचे रखें और सिलाई शुरू करें। ट्रिपल स्टन स्ट्रेट स्टिच, 2 स्टिचेस आगे और 1 स्टिच पीछे से सिला जाता है, जिससे एक ऐसा सीम बनता है जो आसानी से खुले नहीं। पैटर्न सिलेक्शन डायल को बी पर रखें, कोई भी स्टिच लेंथ चुने और धागे के तनाव को 1 से 3 के बीच में रखें। मशीन को zigzag फुट और फील लॉक को नीचे करें, फैब्रिक को फुट के नीचे रखें और बटन को प्लेसमेंट मार्क पर रखें। अब पैटर्न सी चुनें ताकि बटन का छेद फुट के स्लॉट के साथ आ जाए। कुछ स्टिचेस लगाएं और आपका बटन तैयार है। पैटर्न सिलेक्शन डायल को BH पर रखें, स्टिच लेंथ को बटन होल लेंथ पर रखें और धागे के तनाव को 1 से 5 के बीच में रखें। मशीन को ट्रांसपेरेंट बटन होल फुट पर रखें, कपड़े को फुट के नीचे रखें और बटन होल लेंथ पर निशान लगाएं। पहले निशान तक आगे की तरफ सिलाई करना शुरू करें। अब स्टिच सिलेक्टर को सेकंड स्टेप पर रखें और दूसरे निशान पर सिले। इसी तरह बटन की दाहिनी और बाईं सिलाइयों को बांधें। बटन होल की तीसरी और चौथी स्टेप से कपड़े को हटाएं और ओपनिंग से काट दें। पैटर्न सिलेक्शन डायल को ए पर रखें, स्टिच लेंथ को 1.5 से 4 के बीच में रखें और धागे के तनाव को 3 से 6 के बीच में रखें। मशीन को जिपर फुट पर रखें, जिपर टेप को कपड़े में पिन करें या टांगें और उसे फुट के नीचे रखें। जिपर के किनारे को जिपर टेप के साथ रखें और कपड़े को जिपर टेप के साथ सिलें। अब कपड़े को पलटें और इसी तरह से फिर से सिलें। जिपर को लॉक करने के लिए बार टैग सिलें और आपका जिपर तैयार है। पैटर्न सिलेक्शन डायल को जी पर रखें, स्टिच लेंथ को 2 से 3 पर रखें और धागे के तनाव को 6 से 8 पर रखें। मशीन को बटन होल फुट पर रखें, कपड़े के फोल्डेड किनारे को फुट के स्लॉट पर रखें और सिलाई शुरू करें। सुई कपड़े के किनारे से टक्स बनाते हुए बाहर जानी चाहिए। पैटर्न सिलेक्शन डायल को ई पर रखें, स्टिच लेंथ को एसएस पर रखें और धागे
माथे के तनाव को 1 से 4 के बीच में रखें। मशीन को ज़िगज़ैग फुट पर रखें। कपड़े को फुट के नीचे रखें और सिलाई शुरू करें। इसी तरह पैटर्न सिलेक्टर को डी पर रखें और सिलाई शुरू करें। आखिर में पैटर्न सिलेक्टर को एफ पर रखें और सिलाई शुरू करें। आप पाएंगे उषा जेनोमी वंडर स्टिच से बने हुए शानदार सिलाई पैटर्न्स। रख रखाव की प्रक्रिया शुरू करने से पहले मशीन का पावर स्विच बंद कर दें या उसे निकाल दें। हुक रेस रिंग फोल्डर को खोलें और उसमें से हुक रेस रिंग निकालें। अब हुक को निकालें। हुक रेस को ब्रश और एक कोमल सूती कपड़े की सहायता से साफ करें। हुक रेस यूनिट को दोबारा लगाने के लिए सेंटर पिन की सहायता से हुक को लगाएं और उसे सावधानी पूर्वक हुक रेस के अंदर लगा दें। उसमें शटल रेस रिंग को जोड़ें। होल्डर्स को पीछे की स्थिति में घुमाते हुए हुक रेस रिंग को लॉक कर दें और बॉबिन केस को उसमें इंसर्ट करें। स्क्रू और नीडल प्लेट को हटाएं। इन डॉग टीथ पर जमी धूल और कपड़ों की कतरन को ब्रश की सहायता से साफ करें और नीडल प्लेट को दोबारा लगाएं। सिलाई के लिए लाइट बेस प्लेट के पीछे दी हुई है। बल्ब बदलते वक्त अपनी उंगलियों का ध्यान जरूर रखें क्योंकि वो गर्म हो सकता है। बल्ब हटाने के लिए उसे पुश करें और पार्ट्स जैसे बेस प्लेट और कवर, हुक रेस रिंग और हुक में कम से कम साल में एक बार तेल जरूर डालें। ध्यान रहे कि मशीन में सारा तेल हटा दें क्योंकि इससे आपके कपड़ों पर दाग भी लग सकता है। Hi, introducing Single Promise 1408 Sewing Machine. Thanks for watching. उषा जेनोमी ड्रीम स्टिच खरीदने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आप इस प्रोडक्ट को खरीदकर खुश हुए होंगे और इससे आपको कई सालों का संतोष प्राप्त होगा। आपकी नई उषा जेनोमी ड्रीम स्टिच उपयोग सुलभ है। इस मशीन के द्वारा आप व्यवसायिक गुणवत्ता की फैशनेबल रचनाएं बना सकते हैं जो आपके व्यक्तित्व और पसंद को प्रतिबिंबित करता है। डिजाइन किया गया है जो बेहद हल्का है। एक ऑटोमेटिक ज़िगज़ैग सिलाई मशीन है और
बदल दिया गया है। इस कॉम्पैक्ट बॉडी में एडवांस्ड फीचर्स हैं, जैसे बिल्ट-इन मोटर, एक कलर कोडेड फंक्शनल फेस प्लेट, पैटर्न बनाने के लिए एक डायल, पैटर्न सिलेक्शन और बहुत कुछ दिया गया है। ड्रीम स्टिच में फ्री कॉम होता है जो कि सर्कुलर बुनाई में मदद करता है। बिल्ट-इन लाइट के साथ बटन, एक सिंगल टच रिवर्स स्टिच बटन और एक स्नैप ऑन प्रेसर फुट भी है। उषा ड्रीम स्टिच में आपकी सुविधा के लिए फोर स्टेप बटन होल्डिंग भी उपलब्ध है। एक बेहतरीन सिलाई उपकरण है जिससे आप मनचाहे सिलाई पैटर्न्स बना सकते हैं। इसके साथ कुछ उपयोगी और प्रभावी एक्सेसरीज जैसे पिकल फुट, स्लाइडिंग बटन फुट, बॉबिंस, एक सुइयों का सेट, फैब्रिक और एक सीम रबर भी उपलब्ध है जो कि उषा ड्रीम स्टिच को एक प्रबल और संपूर्ण पैकेज बनाता है। सुनिश्चित कर लें कि मशीन पर लगा पावर स्विच बंद हो। हम मशीन प्लग को मशीन सॉकेट में लगाएं और पावर सप्लाई प्लग को आउटलेट में लगाएं। मशीन और सीलिंग लाइट को जलाने के लिए पावर को ऑन कर दें। फुट कंट्रोल की वजह से सिलाई की गति अलग अलग हो सकती है। आप जितना जोर से कंट्रोल पर प्रेस करेंगे मशीन उतनी ही तेजी से चलने लगेगी। जिससे कि सिलाई की जगह को फ्री आर्म सिलाई करने के लिए हटाया भी जा सकता है। प्रेसर फुट लिफ्टर को उठाकर प्रेसर फुट को ऊपर या नीचे कर सकते हैं। इसे साधारण स्थिति में आधा सेंटीमीटर ऊपर तक उठाया जा सकता है। प्रेसर फुट को हटाना और लगाना भी काफी आसान है। हैंड व्हील को अपनी तरफ घुमाएं और सुई को उसकी उच्चतम स्थिति तक उठाएं। प्रेसर फुट को उठाएं, फुट होल्डर के पीछे दिए गए लेवर को दबाएं और प्रेसर फुट निकल आएगा। प्रेसर फुट को जोड़ने के लिए पिन की फुट पर इस तरह रखें जिससे कि पिन फुट होल्डर के ग्रूव के बिल्कुल नीचे हो। फुट होल्डर को नीचे करें जिससे कि फुट अपनी जगह पर लॉक हो जाएगा। हैंड व्हील को अपनी तरफ घुमाते हुए नीडल को ऊंचा उठाएं और प्रेसर फुट को नीचे करें। नीडल क्लैंप स्क्रू को ढीला करने के लिए घड़ी की दिशा के विपरीत उसे घुमाएं और सुई को क्लैंप से हटाएं। अब क्लैंप की नई सुई को इस तरह डालें कि सुई के पीछे का हिस्सा आपसे दूर हो। उसे जितना हो सके उतना ऊपर उठाएं और क्लैंप स्क्रू को मजबूती से पेचकस की सहायता से कस लें। निरंतर सप्लाई बनाकर रखता है। स्पूल पिन को इस्तेमाल करने के लिए उसे ऊपर खींचें और बाद में स्टोरेज के लिए उसे नीचे कर दें। फुट कवर को खोलें, हैंड व्हील को अपनी तरफ घुमाते हुए सुई को ऊपर उठाएं और लैच को पकड़ते हुए बॉबिन केस को ले लें। को लगाने के लिए हॉर्न को हुक रेस के बीच के खाली स्थान में रखें। हैंड व्हील को बाहर की तरफ खींचें, धागे की रील को स्पूल पिन पर लगाएं, रील से धागे को खींचें और उसे बॉबिन बाइंडर थ्रेड गाइड के चारों ओर लपेटें और बाहर की तरफ से अंदर की तरफ बॉबिन के छेद में धागे को डालें और बॉबिन को बॉबिन बाइंडर स्पिंडल पर रख दें। उसे दाईं तरफ धकेलें। अब धागे को खाली तरफ से पकड़ें और फुट कंट्रोल को धीमा कर दें। जैसे ही धागा बॉबिन होल के पास पहुंचे, वैसे ही मशीन को रोक दें। बॉबिन को पूरी तरह घुमाने के लिए फुट कंट्रोल को धीमा कर दें। अब बॉबिन बाइंडर को बाईं तरफ धकेलें। हैंड व्हील को उसकी मूल स्थिति में वापस ले आएं।
थाली को टेंशन स्प्रिंग के नीचे से खींचे और आखिर में डिलीवरी आई में डाल दें। धागे का कुछ हिस्सा छोड़ दें। हैंड व्हील को अपनी तरफ घुमाते हुए टेकअप लीवर को उसकी उच्चतम स्थिति तक उठाएं, प्रेशर पिन को उठाएं और थ्रेड स्पूल को स्पूल पिन पर लगाएं। अब धागे को थ्रेड गाइड में लगाएं। धागे को नीचे टेंशन एरिया की तरफ खींचे और चेक स्प्रिंग होल्डर के चारों ओर घुमाएं। धागे को टेकअप लीवर के बीच से दाएं से बाएं तरफ खींचें और उसे लोअर थ्रेड गाइड के बीच से डालें और फिर बाएं तरफ दी हुई नीडल बार थ्रेड गाइड में डालें। नीडल आई में आगे से पीछे की तरफ धागा डालें। को हल्के हाथों से पकड़ें। हैंड व्हील को धीरे धीरे अपनी तरफ घुमाते रहें जब तक कि सुई नीचे न चली जाए और टेकअप लीवर अपनी उच्चतम स्थिति तक न पहुंच जाए। हल्के से नीडल थ्रेड को खींचे जिससे कि बॉबिन थ्रेड में एक गोला बन जाए। दोनों धागों को 6 इंच तक नीचे खींचे और उन्हें प्रेशर पॉट के नीचे रख दें। धागे का तनाव सिलाई के सामान, कपड़ों की वर्दी और सिलने के तरीके के हिसाब से तय किया जाता है। जब धागे का तनाव बहुत ज्यादा हो तो उसे कम करने के लिए थ्रेड टेंशन डायल का परिमाण कम कर दें। इसके विपरीत डायल का परिमाण बढ़ने से धागे का तनाव बढ़ जाता है। एडजस्टिंग बॉबिन थ्रेड टेंशन। एडजस्टिंग स्क्रू को ढीला करने के लिए लेफ्ट में घुमाएं और कसने के लिए राइट में घुमाएं। ऊषा ड्रीम स्टिच एक स्पेशल पैटर्न सिलेक्टर डायल के साथ आती है जो आपको दिए गए पैटर्न में से आपकी मनचाही स्टिचिंग स्टाइल चुनने में मदद करता है। बटन की मदद से आप उल्टी सिलाई भी कर सकते हैं, यानी जब तक आप उस बटन को दबा कर रखेंगे तब तक मशीन उल्टी सिलाई करती रहेगी। ड्रीम स्टिच की मदद से कई प्रकार के स्टिचिंग स्टाइल्स बन सकते हैं। तो चलिए तैयार हो जाते हैं अपनी ऊषा ड्रीम स्टिच से सिलाई करने के लिए और अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए। तनाव को 2-6 के बीच में रखें। मशीन को जिगजैग फुट पर रखें, कपड़े को फुट के नीचे रखें और सिलाई शुरू करें। स्टिच को फंसाने के लिए रिवर्स स्टिच बटन को दबाएं और कुछ स्टिचेस लगाएं। स्टिच सिलेक्शन डायल को F पर रखें को 2-5 के बीच में रखें। मशीन को जिगजैग फुट पर रखें, कपड़े को फुट के नीचे रखें और सिलाई शुरू करें। स्टिच सिलेक्शन डायल को एच पर रखें और धागे के तनाव को 1-4 के बीच में रखें और मशीन को जिगजैग फुट पर रखें, कपड़े को फुट के नीचे रखें और किनारे तक खत्म करने के बाद सिलाई शुरू करें। हेमिंग के बाद कपड़े के ऊपरी हिस्से में सिर्फ 9 स्टिचेस ही दिखने चाहिए। पैटर्न सिलेक्शन डायल को BH पर रखें, स्टिच लेंथ को बटन होल लेंथ पर रखें और धागे के तनाव को 1-5 के बीच में रखें। मशीन को ट्रांसपेरेंट बटन होल फुट पर रखें, कपड़े को फुट के नीचे रखें और बटन होल लेंथ पर निशान लगाएं। पहले निशान तक आगे की तरफ सिलाई करना शुरू करें। अब स्टिच सिलेक्टर को सेकंड स्टेप पर रखें और आखिरी निशान तक सिलें। इसी तरह बटन की दाहिनी और बाईं सिलाइयों को बांधें बटन होल की तीसरी और चौथी स्टेप से।
नाइफ और ओपनी से काट दें। रखरखाव की प्रक्रिया शुरू करने से पहले मशीन का पावर स्विच बंद कर दें या उसे निकाल दें। सुई को उसकी उच्चतम स्थिति तक उठाएं और हुक कवर को खोलें। अब बॉबिन केस के हिंज लैच को खोलें और उसे बाहर निकाल लें। हुक रेस रिंग होल्डर को खोलें और उसमें से हुक रेस रिंग निकाल लें। ब्रश और एक कोमल सूती कपड़े की सहायता से साफ करें। हुक रेस यूनिट को दोबारा लगाने के लिए सेंटर पिन की सहायता से हुक को लगाएं और उसे सावधानी पूर्वक हुक रेस के अंदर लगा दें। उसमें शटल रेस पिन को जोड़ें। होल्डर्स को पीछे की स्थिति में घुमाते हुए हुक रेस रिंग को लॉक कर दें और अब बॉबिन केस को उसमें इंसर्ट करें। बाधा रहित कार्य के लिए मशीन के पार्ट्स जैसे फेस प्लेट स्क्रू, हुक रेस रिंग एंड द हुक में कम से कम साल में एक बार तेल जरूर डालें। ये सुनिश्चित कर लें कि अतिरिक्त तेल न रह जाए, नहीं तो आपके कपड़ों में दाग भी लग सकता है।